आप कहाँ रहने वाले हैं? चंद्रहिया, गांधी स्मारक के बगल में रह रहे हैं। अच्छा, आपके बाबा जी का नाम क्या था और उनके बारे में कुछ बताइए। स्वर्गीय शिव बरन भगत, वे एक सबसे अच्छे यहाँ जागरूक कार्यकर्ता थे। भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था उसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, और गांधी जी को यहाँ मोतिहारी से लाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने उनको बुला के यहाँ लाए, और लाने के क्रम में गाँव के लोगों को यहाँ बुलाया गया, और उस आंदोलन के क्रम में मेरे घर को पुलिस के द्वारा 4 बार लूटा गया। यह एक ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि यहाँ से गांधी जी को अरेस्ट किया। डब्ल्यू बी हकॉक जो उस समय यहाँ के डीएम हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ उनको पत्र जारी किया और कहा कि अब जितना जल्द हो चंपारण छोड़ दें, क्योंकि आपके यहाँ रहने से अशांति फैल सकती है और कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। तो उस पर गांधी जी ने जो अभी लिखा हुआ हमने भी पढ़ा है उनके किताब में, कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ आए हैं नीलहों के अत्याचार के बारे में किसानों से जानकारी प्राप्त करने के लिए। मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि शांति व्यवस्था यहाँ की भंग की जाए। और उस जवाब के साथ उन्होंने यहाँ से अंग्रेजी के सिपाही के साथ मोतिहारी जिला जो मुख्यालय हुआ करता था वहाँ चले गए। जिस जगह बैठे हैं मतलब यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हुई? जी जी, यहीं पर गिरफ्तारी हुई थी। वास्तविक आंदोलन का केंद्र यही है, क्योंकि गिरफ्तारी यहीं से उनकी हुई है। देखिए, मैं सरकार से चाहता हूँ कि यहाँ की जो विकास नहीं हो पाया, या बौद्धिक विकास का है या आर्थिक विकास, किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ जो मेरे बाबा जी जमीन दिए हुए हैं वहाँ अभी भी मिडिल स्कूल चल रहा है, कस्तूरबा उसी में चलता है। हम चाहेंगे कि यहाँ कॉलेज खुले, और जहाँ तक राजनीतिक दल का है कि यहाँ विश्वविद्यालय खोला जाएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। मेरा प्रॉपर सोच है, और यहाँ के गाँव के लोगों का और चंपारण वासियों का सोच है, कि जितना जल्द से जल्द हो सके विश्वविद्यालय को यहाँ स्थापित किया जाए, ताकि यहाँ के लोकल लोग यहाँ के बारे में जाकर दूसरे जगह भी बताएं और बाहर के ज्ञान को यहाँ लाकर फैलाएं।